क्या नाम है आपका? जगदीश कोस। यहाँ क्या करते हैं आप? कोई पाँच छः दिन से काम लगा है सर। काहे का काम? पत्थर का काम। खुदाई करते हैं? पत्थर निकालते हैं। निकालते कितने साल पुराना है? अभी डेढ़ दो साल हो गए साहब। अच्छा, इनके मालिक का क्या नाम है? मालिक का देवीदत्त द्विवेदी। द्विवेदी कहाँ के हैं ये? ये वहाँ के साहब, गोबरा के। आप मजदूरी पे लगे? हाँ, मजदूरी। कितने देते हैं? मजदूरी हो गए साहब, वही देते हैं जो पड़ जाता है। ये आपको पता है क्या वैध खनन चल रहा है? ये साहब ये तो नहीं मालूम हमको। क्या बता के आपको काम लगवाया गया? तो हमको तो बताया है कि पैसा देते हैं इसका। क्या कितने दिन हो गए आपको? अभी हमको तो पाँच छः दिन हुए लगाए। पाँच छः दिन। लाख दावों के बावजूद अवैध खनन रोकने में सरकार नाकाम नजर आ रही है। इसका जीता जागता उदाहरण है रीवा जिले की त्योथर विधानसभा क्षेत्र जने थाना अंतर्गत पटहट के पूर्वा पटेरा गांव का, जहां उत्तर प्रदेश से आकर देवी दत्त संतलाल गुरु सहित कई लोग अवैध रूप से पत्थर और गिट्टी का खनन कर रहे हैं। यह खनन माफिया न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि बाल श्रम का भी इस्तेमाल कर रहा है। 9 से 10 साल के छोटे बच्चे भी खदानों में कठोर परिस्थितियों में काम करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह अवैध खनन कई वर्षों से धड़ल्ले के साथ चल रहा है। कई ऑडियो और वीडियो भी वायरल हो चुके हैं लेकिन राजस्व विभाग अब तक कोई कार्यवाही नहीं कर पाया है। यह घटना सरकार के दावों और हकीकत में जमीन आसमान का अंतर को उजागर करती है। क्या अधिकारी इस अवैध खनन पर लगाम लगा पाएंगे? क्या बाल श्रमिकों को मुक्ति मिल पाएगी? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। रीवा से हमारे रिपोर्टर विजय तिवारी की रिपोर्ट। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ।